सागर जिले में रेलवे अंडर ब्रिज की मिट्टी धंसने से एक खंड अभियंता और सेक्शन इंजीनियर की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही रेलवे प्रबंधन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घटना जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र के सुमरेड़ी रेलवे फाटक के पास की है, जहां अंडर ब्रिज का कार्य चल रहा था। रात में करीब 9:30 बजे यहां से एक ट्रेन गुजरी और फिर मिट्टी धसक गई, जिसमें लोग दब गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर रेलवे प्रबंधन के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कराया, मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकाला, फिर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 3 लोग घायल हैं, जिनमें 1 की हालत गंभीर है और 2 को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इसके बाद से इस रूट से निकलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। कुरई SDOP सुमित केरपिटा से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में खंड अभियंता सुखराम हरवार और सेक्शन इंजीनियर RS मीणा की मौत हुई है। RS मीणा माधवपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, वहीं सुखराम हरवार कटनी जिले के निवासी हैं। इस घटना को लेकर सागर कलेक्टर के सोशल मीडिया पेज पर जानकारी साझा करते हुए इस घटना में रेलवे के 2 कर्मचारियों की मौत और 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। सुमरेड़ी में रेलवे फाटक के अंदर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से मौके पर 2 रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और 3 लेबर को चोट आई है। घायलों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। मौके पर राहत बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक द्वारा रेस्टोरेशन किया गया है। करीब 2 घंटे में ट्रैक को फिर शुरू किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। काम चल रहा था उस पुलिया का, अंडर ब्रिज का काम चल रहा था जो, वो तो अचानक से दीवार गिर गई वो, तो हम लोग नीचे थे, दब गए। कौन कौन था उसमें, किसके साथ क्या हुआ? 4 लोग दब गए थे, बाकी सब सेफ थे और बाकी 4 लोग दब गए थे दीवार गिरने से। कौन कौन दब गया था? बड़े साहब थे, RS मीना साहब और सुखराम साहब थे, उनका क्या हुआ? वो भी दब गए थे और 2 लोग हम थे। कौन कौन? दीपक और इनका क्या नाम, देवेंद्र। अच्छा, ट्रेन निकली थी पहले? ट्रेन तो उसके टाइम से जब आनी तो निकल ही रही थी, उसी कारण हुआ क्या धक्का लगने से? अब ये नहीं बता सकते कि ट्रेन तब नहीं निकली जब वो गिरी। अच्छा, पहले निकल गई? ट्रेन तो निकल गई थी। कुरई से मनोज बाधवानी, सागर TV न्यूज़।